पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग 2.5-3 महीने से, 2 महीने से हम लोग इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं, फिर मैक्रो के करवाऊंगा। ओके, फ्लो फ्लो में हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी। पेज 43 मिल गया मेरे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5, राइट, क्वेश्चन नंबर 5, पेन रेडी बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1, फिंगर पॉइंट, डिमोनेटाइजेशन वॉज द स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। खत्म हुआ, यस। ब्लैक मनी खत्म हुई, यस। टेररिज्म के पैसे खत्म हुए, यस। फेक करेंसी खत्म हुई, यस। ये स्टेटमेंट ट्रू, लिख ले टी। बहुत कम स्पीड, 10 क्वेश्चन करेंगे आज, ज्यादा नहीं। डिमोडेशन, आई एम रिपीटिंग, डिमोडेशन वॉज द, एक मिनट, डिमोडेशन की डेट याद है? 8 नवंबर 2016। एक मिनट, वही सचिन भाई ने कंप्यूटर ऑन करा, मैंने भी ना आपके साथ ही लर्न करा था कल, सुनो ऑन। सचिन भाई ने याद करवाया था, 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, याद कर, कल तो करा था। 48 में क्या आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1950 में प्लानिंग कमीशन, 51 में पहला प्लान, 48 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 50 में 5-year plan, अंकल का नाम भी याद है, पीसी नालोबिस। 51 में पहला प्लान, 51 में काम और हुआ था इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट, 55 में कार्वी कमेटी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 56 में सेकंड 5-year plan और सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद 91 में एलपीजी, उसके बाद 2014 में मेक इन इंडिया, उसके बाद 2001 में मॉडर्न ब्रेड बेची और QR खत्म कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। 2001 में दो काम होते, मॉडर्न ब्रेड बेची जो बच्चे आए थे, और क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी। 2014 में मेक इन इंडिया, 2015 में नीति आयोग, 2016 डिमोडेशन 8 नवंबर, अगले साल 29 मार्च 17 को एक्ट बनाया, 1 जुलाई CADA को स्टार्ट कर दिया। ये हमने लर्न करा था, मैंने भी तेरे साथ याद करा था। डिमोडेशन वापस देखेंगे, डिमोडेशन से करप्शन खत्म हुआ, यस, फिंगर पॉइंट। ब्लैक मनी खत्म हुई, यस। टेररिज्म के पैसा खत्म हुई, यस। फेक करेंसी खत्म हुई, यस। तो ये ठीक है, लिख रहे टी, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, डिमोडेशन से टैक्स कॉम्प्लायंस सुधर गया। सुनिए बेटा, कॉम्प्लायंस होता है पेपर फॉर्मेलिटी, ऊपर लिख। एक तो टैक्स कॉम्प्लायंस को मार्क कर, टैक्स कॉम्प्लायंस को सुधारा श्रेया GST ने, ना कि नोटबंदी ने। GST टैक्स में सुधार करा GST ने, नोटबंदी ने नहीं। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। मेरे को देख, सुनो, मेरे को देखो, बड़ा बड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैंने आपसे 10 का नोट लिया, 10 का नोट दिया, नोट बदल के दिया, क्या इससे कोई टैक्स इंप्रूव होगा बेटा? बोलो, 200 का नोट लिया, 200 नोट दिया, 500 का नोट लिया, 500 नोट दिया, क्या इसमें टैक्स इंप्रूव होगा? नहीं। तो बेटा टैक्स इंप्रूव के लिए GST था, ये नहीं था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। नोटबंदी से टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, टैक्स इंप्रूव हुआ था GST से, इससे नहीं। बोर्ड में देख, 5 मिनट लगेंगे तो हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। अब जब ये बात प्रूव होगी, सचिन भाई को याद करना, बेटे आपको पिछले साल बंद कर दिया था, इस साल फिर स्टार्ट होगा। ये नहीं है, ये तो नई बात थोड़ा है, तुम मेरी वैल्यू ना समझो। सुन मल्होत्रा साहब, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। पिछले साल बंद कर दिया गया था, इस साल स्टार्ट होगा, होगा, सचिन भाई को याद कर लियो। आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 10:15 से 10:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, यस।
तब तक टीचर आपको आंसर शीट बांटेगा, अटेंडेंस साइन करवाएगा, आपके रूम में दो टीचर्स होंगे और आपको बोलेंगे जो आंसर शीट दिया है उसका सील ओपन नहीं करेंगे पुत्र। अगर आपने पहले लिखना शुरू कर दिया, इट वुड लीड टू कैंसिलेशन योर पेपर। 10:15 से 10:30 बजे तक 15 मिनट आपके पास क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होंगे। 10:30 बेल बजेगी, लिखना शुरू करेगा, स्टिकर हटाएगा, लिखना शुरू करेगा। सुनो जी, अब वो 15 मिनट कैसे यूज कर रहे हैं, मेन मेन बातें अंडरलाइन करनी है पेंसिल से। यस, तो जो आपको 10:15 से 10:30 का टाइम मिला है उसमें आपने मेन मेन बातें अंडरलाइन करनी है पेंसिल से। यस कि क्वेश्चन है विच इज रीजन विच इज नॉट रीजन, आराम से पढ़ के, विच इज अ रीजन इज विच इज नॉट अ रीजन, जीएसटी, गवर्नमेंट बजट। मैं वही प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। एक और देखो, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है ये जो गुलाटी भाई अब क्वेश्चन करवाना शुरू करेगा ये स्कूल में नहीं होंगे, तो मेरे को मत छोड़ना प्लीज। स्कूल में होंगे नहीं, यूट्यूब पे कहां भटकेगा पुत्र, तो सचिन भाई पे प्लीज थोड़ा डिपेंड कर ले प्लीज। ये देख, एसर्शन एक स्टेटमेंट है, मत सिखाइयो। एसर्शन एक स्टेटमेंट होगी, रीजन एक स्टेटमेंट होगी, एसर्शन एक स्टेटमेंट, रीजन एक स्टेटमेंट, ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, दोनों ठीक है और आपस में रिलेटेड है। एसर्शन ठीक, रीजन ठीक, रिलेटेड, दोनों ठीक है लेकिन रिलेटेड नहीं है। असर्शन ठीक, रीजन गलत, असर्शन गलत, रीजन ठीक, यही ऑप्शन होंगे जी, इसी सीक्वेंस में होंगे। और मजे की बात, सचिन सर ऐसा भी होगा दोनों गलत, नहीं अभी दे भाई मैं कितनी सही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यही होगा, याद कर क्या होगा, असर्शन रीजन ठीक रिलेटेड, मतलब वो भी नोटबंदी, वो भी नोटबंदी, दोनों ठीक है लेकिन अलग अलग है, एक नोटबंदी का जीएसटी का है, एक बजट का है, एक बीओपी का है, ए ठीक, असर्शन रीजन गलत, असर्शन गलत, रीजन ठीक। और मैं सच बताऊंगा जेसी का बेटा, सीक्वेंस भी यही होगा ताकि बच्चे का दिमाग सेट हो जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े, अब ऊपर आ गया नीचे हो गया है, याद कर भाई, याद कर, अब इसको छोड़ दे, सारी बुक गलत है मेरी, बंदा ही गलत हूं मैं तो, याद कर, assertion रीजन ठीक रिलेटेड, assertion रीजन ठीक लेकिन अनरिलेटेड, एक अलग चैप्टर का, अलग चैप्टर क्या है, एक अलग टॉपिक, अलग टॉपिक है श्रेया, assertion ठीक रीजन गलत, assertion गलत रीजन ठीक, मेरे बेटा सीक्वेंस भी यही होगा, बिलीव मी सीक्वेंस भी यही होगा। अगर मैं पहले वाली की बात करूं, अभी हमने जो पढ़ा नोटबंदी से वो सारे फायदे हुए, हाँ लेकिन नोटबंदी से जीएसटी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या था, ये हुआ, एक ठीक था एक गलत था, यस सर नो सर, रिलेटेड तो है लेकिन एक स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली गलत है, ठीक है ना राशिपुत्र, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, अगर इस तरीके से हो तो हम लोग सी पे टिक लगाते, बट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 है तो हमने टिक लगाया, पढ़ियो 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 पढ़ियो, ए स्टेटमेंट, बोथ आर ट्रू गलत, बोथ आर फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड फॉल्स, सेकंड ट्रू फर्स्ट फॉल्स, इसका ऑप्शन हुआ सी, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स, टिक ले बेटा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन कहां पे है, 11th, क्या कर रहा है भाई, मार्किंग क्यों करवाई थी, गुलाटी भाई को फेल कर रहा है। 11th, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 किस प्लान में आई थी, ओ एक मिनट, 51 से 56 पहला प्लान, 56 से 61 सेकंड प्लान, सेकंड प्लान में आई थी ना, तो पता मैं क्या करूंगा तमन्ना, 15 मिनट में मैं मार्क करूंगा आईपीएल 56 और प्लान,
आई फिर 56 कौन से प्लान में आई थी? सेकंड प्लान में आई थी। 13 ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, अभी तुम देखना, अभी सुनो, वही तो पढ़ा रहे 12th, 11th हो गया, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, 11th आई पर 56 फुल फॉर्म क्या होती है जेसी का बेटा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 किस प्लान में आई थी? सेकंड प्लान, मार्क कर लिया। अभी तुम देखना अरुण भाई, मैं ट्विस्टेड भी कराऊंगा, घुमा फिरा के भी करवाऊंगा। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, एक काम करियो इसके ऊपर अदर नेम लिख, ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन लिखो मेरे चीते, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का अदर नेम लिख ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को देख, अब थोड़ी कोऑर्डिनेशन, बुक तो बुक, सचिन सर तो सचिन सर, हमने मैंने बताया था वर्किंग पॉपुलेशन को, दीदी ध्यान दो, दीदी दीदी वर्किंग, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आता है, वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बांटना ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, टोटल नहीं, नॉन वर्किंग नहीं, कौन सी वाली? अमृत, कौन सी पॉपुलेशन? वर्किंग पॉपुलेशन को मैं ये वाला बैच रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बहुत हो गया, 3 दिन हो गए बोलते बोलते, मैंने बोल रखा ना 8 से 9 वाला मेरा बैच अच्छा है, अब ये देख ले ये अच्छा बैच है। ओ अच्छा तू आया ना इसलिए गंदा हो गया, हाँ तू उसी बैच में आएगा फिर। कौन मैं आया हूं इस बैच में? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, केशव भाई वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी बांटना उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा एक मिनट, वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी, अच्छा मैंने ये भी बता रखा है 15 साल और 65 के बीच में वर्किंग लोग, 15 से नीचे 65 से ऊपर के बुजुर्ग नॉन वर्किंग, ये भी बता रखा है 15 और 65 के बीच के लोगों बोलते हैं वर्किंग, 15 से नीचे बच्चे, 65 से ऊपर के बुजुर्ग नॉन वर्किंग जनरली। अब ऑप्शन बढ़ते हैं, ए साइज ऑफ लेबर गलत, नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं देश में गलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग सेक्टर ठीक, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन गलत। ए साइज ऑफ लेबर गलत, नंबर ऑफ पीपल जो रहते हैं गलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर ठीक, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन गलत। उसमें ऑप्शन हमारा सी, छत पे आइयो ऊपर लिख, हाँ वो छत होती हमारी, 15 से 65 ईयर्स, छत पे लिख ले 15 से 65 ईयर्स का एज ग्रुप वर्किंग पॉपुलेशन, अदर नेम लिखियो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन का बेटा, एक नाम और लिखे बेटा इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, पंद्रह से 65 इयर्स वर्किंग पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। वर्किंग का उल्टा क्या हो जाएगा हर्षिका? नॉन वर्किंग। प्रोडक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? अनप्रोडक्टिव। ते इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट, ठीक है बेटा। चलिए 13 डैश इज द पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस जो बेचता है मार्केट में सेल्फ कंजम्पशन के बाद, डैश इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट में बेचता है किसान सेल्फ कंजम्पशन के बाद, ट्रेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, टिक लगाएंगे मार्केटेबल सरप्लस, तो टिक तो लगा फिर मैं बताता हूं, मार्केटेबल सरप्लस टिक लगा लिया थी, इधर देख। अब ये क्वेश्चन घुमा फिर आगे कैसे आ सकता है मेरे चीते, देख मान ले 100 उसने क्रॉप उगाई, 20 घर लेके आता है, 80 बेचता है, ये प्रोड्यूस, ये सेल्फ कंजम्पशन, रिमेनिंग बेची, सुनो जी बेटा, जो घर लेके आता है उसे बोलता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
जो घर लेके आता है उस, रुक जाना, क्यों फ्लो तोड़ रहा है? आज मौका है ना पूरा पढ़ाने का। जो घर लेके आता है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। रिमेनिंग बेचता है उसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। अच्छा एक और मैंने रिक्वेस्ट करी थी आपसे, हर वैसे आप बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं मेरे, मुझे एक साफ सुथरे, मेरी हैंडराइटिंग तो चल नहीं सकती, नोट्स बना रखे आपने, थोड़े बहुत कंप्लीट है, बाकी मैं कर लूंगा, कुछ मैं ऐड करूंगा, उसका पीडीएफ बनाऊंगा, मैं बच्चों को बांट दूंगा। तो जिस बच्चे ने नोट्स बना रखे सचिन सर की क्लास नोट्स, एक मुझे दिखा दे, मैं ऐड ऑन करूंगा, पीडीएफ बनाऊंगा, फोन में रखना, फोन में रख ले, बुक बनवा ले, बुक बनवा ले। यस, तू तो पता नहीं तूने पूरे साल क्या करा है, बस मेरे मुंह मत खुलवा, क्या पढ़ा वो हमें पता है, फेसबुक इंस्टाग्राम। तो जो घर लेके आता है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस, रिमेनिंग को बेचता है मार्केटेबल सरप्लस। अच्छा केशव, अगर सारी बेच दे, सारी बेच दे, उसे बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सारी बेच दे उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। पहले याद करो, फिर हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। उत्तर अभी लिखने के लिए मैंने ने बोला, याद करो। जो घर लेके आता है, थोड़ा तेज बोल, मेरी उम्र कम सुना रहता है, जो घर लेके आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। रिमेनिंग बेचता है मार्केटेबल सरप्लस। कल को 100 की 100 बेच दे कमर्शियल, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्रॉप टेकन बाय फार्मर टू सेल कंजम्पशन इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस, रिमेनिंग इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, ऑल सोल्ड कमर्शियल फार्मिंग। लिख ले बेटा, जहां जगह मिलती है, जहां जगह मिलती है लिख ले फटाफट। तो घर लेके आया सब्सिस्टेंस, एज सब्सिस्टेंस एज सेल्फ कंजम्पशन, रिमेनिंग बेचेगा मार्केटेबल सरप्लस, सारा बेच दिया कमर्शियल फार्मिंग। भुगत ले बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा? 15 बेटा, पॉवर्टी का डिलीट हो चुका है। आप शायद संडे सैटरडे को नहीं आए थे, ऑल द वेरी बेस्ट। 15 क्वेश्चन, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड आउटसोर्सिंग हब, ट्रू? इंडिया में आउटसोर्सिंग होती है, हाँ जी, बाहर के कंट्रीज हमें काम देती है आउटसोर्सिंग। मैंने पढ़ाया था, हम लोग करते हैं कोर काम, नॉन कोर किसी और को देते हैं एक्सटर्नली। मनोज भाई काम कर रहा है वो नहीं, आउटसोर्सिंग हमेशा, जिसको हम लोग बीएसटी में पढ़ा, हमने बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फोटोकॉपी बाहर से होती है, एसी की सर्विसिंग बाहर से होती है, सफाई वाली आंटी बाहर से आती है, आउटसोर्सिंग। तो ऐसे हमको अब्रॉड कंट्रीज काम आउटसोर्स करती है, ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड आउटसोर्सिंग हब, हाँ जी ठीक कह रहा है, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ट्रू। आउटसोर्सिंग हब बन रहा है, ट्रू। हमारे यहां पे स्किल्ड मैन पावर है तभी इंटरनेशनल इमेज सुधर रही है, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए। जरा व्हाइट बोर्ड पे देखना, रेडी मेरे चीते, अगर ये वाला क्वेश्चन होता है तो तुम किस पे टिक लगाते हो? ए बी सी डी, दिमाग लगाओ। अगर एसर्शन रीजनिंग वाला होता मेरे बेटा किस पे टिक लगाता? हाँ बेटा देखो, क्योंकि दोनों रिलेटेड भी तो है, सुनना सुन, हमें आउटसोर्स कब होगा? जब रिलेटेड मैन पावर होगा। पहले बता, दोनों स्टेटमेंट ठीक है गलत है? ठीक है,
इन दोनों में से एक होगा, है ना? दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ये देखना रिलेटेड अनरिलेटेड, एक सुन, हमें वो लोग कब आउटसोर्स करेंगे, जब मैन पावर स्किल्ड अनस्किल्ड हो। या बोलते नहीं हो यार, क्या हो रहा है यार, रिकॉर्ड हो रहा है, सब कोई मेरी बेइज्जती होगी जब पूरा वर्ल्ड देखेगा ऐसे इसके सचिन गुलाटी के बच्चे हैं। पहली बात है, दोनों बातों ठीक कह रहा है जी, हब बन रहा है ट्रू, स्किल्ड मैन पावर में इज्जत बढ़ती है ट्रू। अब ये सोचना रिलेटेड अनरिलेटेड, रिलेटेड भाई हमें तब आउटसोर्स करेंगे जब हमारा स्टाफ कैसा हो, स्किल्ड, तो रिलेटेड है ना, ए हो या जी ए, क्योंकि स्किल्ड है तभी आउटसोर्सिंग होगी। दीदी दीदी अगर बीम होता है जीएसटी के बारे में अनरिलेटेड, बीएसटी और बीम होता है डब्ल्यूडीओ के बारे में अनरिलेटेड, दोनों रिलेटेड है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कब होगी श्रेया, जब हमारा स्टाफ स्किल्ड विद रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट 16 16 बिफोर एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन ऑफ 60 इंडिया किससे खाना मंगवाता था अमेरिका? तू तो लिख तो सही ना, मैं बताता हूं ना, बिफोर ग्रीन रेवल्यूशन ऑफ 66 इंडिया किससे खाना मंगवाता था अमेरिका? टिक लगा लिया। अब इधर एक उत्तर, मैक्सिको से हमने मंगवाए थे HYV सीड, याद आ गया? मैक्सिको से क्या मंगवाए थे? HYV सीड। और 66 से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग खाना मंगवाते थे अमेरिका से, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम यूएसए। अच्छा एक मिनट सुनो, तो मेरी कहानी भूल गए, एक मिनट सुनो मेरी कहानी भूल गए। कश्यप साहब मैंने एक बार बताया था, सर अब समझ आ रहा है, जो गुलाटी ने कहानी सुनाई थी रिलेटेड हो रही है। मैंने कहानी सुनाई थी जो बहुत अच्छे के लिए होता है, 65 में हमारी पाकिस्तान लड़ाई हुई, हमको धमकी दी थी अमेरिका ने, मैं तेरे पे एटम बम यूज करूंगा। झगड़ा इसका मेरा, तो उसका चाचा लगता है। सुनो अच्छा ही हुआ, हमें अमेरिका ने धमकी दी थी, आप पाकिस्तान से पीछे हटो बेटा, हम लोग 15 मिनट में कब्जा कर लेते इस्लामाबाद पे, हमारे इतने अंदर घुस चुके थे फाइटर प्लेन। जैसे रशिया चार राज्य छोड़ नहीं रहा, रशिया चार राज्य छोड़ नहीं रहा यूक्रेन के, ऐसे हम लोग इस्लामाबाद उसकी कैपिटल तक पहुंच गए थे, बस लैंड करना बाकी था। शाबाश, इस्लामाबाद हमारी होती बेटा, पाकिस्तान हमारा होता। हमको थ्रेट करा यूएस ने कि आप लोग अगर प्लेन वापस नहीं आए तो मैं आप पे एटम बम यूज करूंगा और खाना रोक दूंगा। अब निधि से क्या हुआ, हम लोग डर गए, हमने डर के फिर एटम बम बनाया। यस, कलाम अंकल ने, और देखी नहीं परमाणु मूवी, और रोटी की धमकी दे रहा है, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, एटम बम की धमकी दी, हमने एटम बम बनाया, लेकिन लगे 5-10 साल, और रोटी की धमकी दी तो हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन। नहीं देता हम लोग अभी तक डर के रहते। तो अच्छा है अमेरिका तो ना धमकी दी, ना मेरा एटम बम बनता, ना भाई साहब ग्रीन रेवोल्यूशन आती। ट्रू, मैक्सिको से क्या HYV सीड, और ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग अमेरिका से मंगवाते रहे, और आज हम लोग अमेरिका को फूड देते हैं। लिख लो जी, मैक्सिको से HYV सीड आते, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले फूड आता था। लिख लिया बेटा, स्पीड अप, क्वेश्चन 18, नेबार्ड 82 में बना डैश बॉडी टू कोऑर्डिनेट अपेक्स, अपेक्स बॉडी, नेबार्ड से बड़ा कोई नहीं है किसानों के लिए। चलो मेरे को देखो, फिर वही सचिन सर ने प्रॉमिस के ट्विस्टेड, बेटा नेबार्ड के नंबर 2 क्या बताया था गुलाटी भाई? RRB। अब मेरा बच्चा, नेबार्ड के बाद RRB था, उसके बाद कौन था? कमर्शियल बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, भूल गया मेरे बेटा। सबसे टॉप पे कौन होता है? नेबार्ड है केशव भाई, सबसे टॉप पे कौन होता बेटा? नेबार्ड। नंबर 2 पे होता है RRB, रीजनल रूरल बैंक, अभी तो करवाया रूरल चैप्टर में, उसके बाद कमर्शियल बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक। टॉप पे आइयो, टॉप पे लिख, आफ्टर नेबार्ड, लिखना बेटा, आफ्टर नेबार्ड RRB,
आफ्टर नेबार्ड किसका रोल आता है? आरआरबी, फुल फॉर्म पता है मेरे बच्चे को, रीजनल रूरल बैंक। और लिखिए कब बने थे, 69 में, 1969। नेबार्ड बाद में बना, 82 में, नेबार्ड 82 में बना, लेकिन उसका रोल ऊपर है, उसके बाद आरआरबी। तो पेपर में आता था कि नेबार्ड के बाद कौन लोन देता है, आरआरबी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने विटनेस करा है आईएमआर कम हो रही है, आईएमआर कम हो रही है, तो फिर वही सुन 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 निधि बेटा, जो मुझे 15 मिनट मिलेंगे ना तो मैं मार्क करूंगा, आईएमआर कम हो रही है, तू भी मार्क करना, आईएमआर कम हो रही है। आईएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग नॉट द रीजन, तुम मार्क क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहले मार्क करा मल्होत्रा साहब ने, आईएमआर कम हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके आगे कह रहा है कौन सा रीजन नहीं है। चलो पढ़ते हैं जी, ए, रुक तो जाना मैं घर से पढ़ के नहीं आया आज। ए रीजन कह रहा है हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई हुई, बी एजुकेशन इंप्रूव हुई हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फॉल हुआ, ये गलत है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव हुई है जी इंडिपेंडेंस से, डी टेक्नोलॉजी इंप्रूव, ठीक, ए हेल्थ इंप्रूव हुआ, यस हॉस्पिटल, एजुकेशन इंप्रूव हुआ, ठीक, स्टैंडर्ड में फॉल नहीं हुआ, इंप्रूव हुआ है, ये कह रहा है फॉल, गलत, टेक्नोलॉजी इंप्रूव, ठीक, तो इसमें गलत वाला कौन सा है मोंगा साहब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल, जबकि इंप्रूव हुआ, ये है ऑड बनाओ। 23, फर्स्ट स्टेटमेंट, सब्सिडी से बर्डन नहीं पड़ता, गलत, बर्डन पड़ता है सरकार पे, फॉल्स, सब्सिडी से बर्डन नहीं पड़ता, गलत, बर्डन पड़ता है। सेकंड कहता है अगर हम लोग सब्सिडी हटा लेंगे उससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, रुको ना, एक बताओ, ओए अगर हम लोग एलपीजी सब्सिडी ना दें, फर्टिलाइजर पे एलपीजी सब्सिडी ना दे, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी ना दे, तो अमीर गरीब में गैप बढ़ जाएगा, अमीरों को मत दो गरीब को दो। तो एक मिनट, श्रेय पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सब्सिडी से बर्डन नहीं पड़ता सरकार पे, गलत, लिख लिया फॉल्स। दूसरा कह रहा है अगर हम लोग सब्सिडी हटा लेंगे उससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ट्रू, तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है, ऑप्शन डी। 24, इंडिपेंडेंस से पहले स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है नो ग्रोथ, लिख मेरे, नो ग्रोथ, कांस्टेंट, नो ग्रोथ, भाई आप बोल रहे हो मेरा फ्लो टूट रहा है, कहते हैं एग्रीकल्चर में ग्रोथ क्यों नहीं थी, ए रीजन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते थे नहीं लगाते थे, सेकंड एग्रीकल्चर पैसा लगाते थे गलत, इंफ्रा अच्छा था गलत, ए ए ए ए ए ए टेक्नोलॉजी में पैसा लगाते थे नहीं भाई पैसा नहीं था, एग्रीकल्चर पैसा लगाते थे नहीं था, इंफ्रा अच्छी थी नहीं थी, नहीं अच्छी थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम ठीक, इसका अदर नेम लिख, जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट का अदर नेम लिख मेरे बच्चा, जमींदारी सिस्टम, इस वजह से ग्रोथ नहीं हो रही थी, जमींदारी सिस्टम। 27, वही आ गया ए और आर वाला, आराम से, हाँ कुछ तो इंफ्रा था ना, स्यूज कैनाल भी ओपन करी थी, सारी एडवांस तो नहीं थी ना, ओके डियर, बेटा फ्री फ्लो तोड़ रहे हो केशव भाई। 27, आराम से उत्तर, आराम से लिख रहा है, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन से हम लोग खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, ट्रू,
मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवल्यूशन की वजह से हम लोग खाने में आतंक। एक एक मिनट, एक मिनट, ग्रीन रेवल्यूशन से पहले हम लोग कहां से मंगवाते थे? यूएसए। और सीड कहां से मंगवाए थे? मैक्सिको। आराम से पढ़ लियो, सीड की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है। हम लोग खाना किससे मंगवाते थे? अमेरिका। और बीज मंगवाते थे? मैक्सिको। अब हम लोग बीज बनाते हैं पूसा इंस्टीट्यूट, बताया था मैंने कहानी में, पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली पटेल नगर। बीज मंगवाए थे मैक्सिको, तो खाना मंगवाते थे अमेरिका, और अब मंगवाना बंद कर दिया, पूसा इंस्टीट्यूट बनते हैं बीज, खाना तो इंडिया बनता है। तो कश्यप साहब पहला कह रहा है लैंड रिफॉर्म ग्रीन रेवल्यूशन की वजह से हम लोग आत्मनिर्भर बने, ट्रू। सेकंड कहता है एग्रीकल्चर की वजह से एग्रीकल्चर में लोग कम नहीं हुए हैं ग्रीन रेवल्यूशन के बाद, एग्रीकल्चर में लोग कम नहीं हुए ग्रीन रेवल्यूशन के बाद, फॉल्स। एग्रीकल्चर में लोग कम नहीं हुए हैं भाई, फॉल्स, जबकि लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के नॉन एग्रीकल्चर भी कर लिया है, फिशिंग, पोल्ट्री, बोलो, सेकेंडरी, टर्शरी। तो पता है इसमें मैंने क्या मार्क करा? मोगा साहब डिड नॉट डिक्लाइन, जबकि डिक्लाइन हुआ है, लोगों ने खेती छोड़ी है, नॉन फार्म में आ गए, फिशिंग, पोल्ट्री। तो इसमें एक मिनट, दोनों स्टेटमेंट ठीक, रिलेटेड, दोनों ठीक, अनरिलेटेड, ये ठीक ये गलत, ये गलत ये ठीक, बताओ जी कौन सा पॉइंट है? एबीसीडी कौन सा? नहीं बेटा दोनों ठीक थोड़ा है, कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रिलेटेड तो है लेकिन गलत हो गया ना पुत्र, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, आत्मनिर्भर हो गए हाँ, लेकिन लोग डिक्लाइन हो रहे हैं, तू मना कर रहा है, ठीक है बेटा। चलो सी स्टेटमेंट, 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा नीचे लिखा करेक्ट ऑल्टरनेटिव, मैं भी घूम गया था मोंगा साहब, मैंने भी दो बैचेस में गलत बोल दिया था, आराम से पढ़। सबसे ऊपर कह रहा है कौन सी इनकरेक्ट है, उसमें से सही बताओ, सही नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। ए, डायवर्सिफिकेशन से इनकम आती है, ट्रू। डायवर्सिफिकेशन से इनकम आती है, ट्रू। डायवर्सिफिकेशन का मतलब लिखा हुआ है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, अलग अलग फसल उगाना, ट्रू। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर, एग्रीकल्चर को छोड़ के फिशिंग में जाना, अदर में जाना, ट्रू। सी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे रिस्क बढ़ा है, फॉल्स। रिस्क बढ़ा नहीं है बेटा, कम हुआ है, रिस्क बढ़ा है, गलत कह रहा है। एक बात सुनो, एक बात बता, अगर मैं तीन काम करता हूं तो अच्छी बात है ना, अगर वहां से इनकम नहीं हो तो वहां से इनकम आ जाएगी, वहां से इनकम आ जाएगी। कोई बंदा अगर एक ही काम करता है उसी में अगर लॉस हुआ तो, अगर एग्रीकल्चर भी कर रहा है, फिशिंग भी कर रहा है, पोल्ट्री भी कर रहा है, चलो उसकी सारी पोल्ट्री खराब हो गई तो फिशिंग से कमा लेगा एग्री, तो इससे फाइनेंशियल रिस्क कम हो रहा है, ये कह रहा है बढ़ रहा है, गलत। तो मैंने क्या मांग रहा निधि बेटा? इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, ये गलत बात है। डी भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है बोथ अबव होए। डी कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन से बेरोजगारी कम होती है, ट्रू। ए, डाइवर्सिफिकेशन से इनकम आती है, ट्रू। भाई फोन ना चलाया करो, अच्छा बच्चा तू। सेकंड, अलग अलग क्रॉपिंग, और तू मुझे डांट भी रहा ऊपर से, बता डांट भी रहा, गुस्सा देखा है, तेरी कॉल आ रही है, फोन खराब हो जाए तेरा, तथास्तु। आईफोन खराब नहीं होता, एक बार सेवा का मौका दीजिए। बी, डाइवर्सिफिकेशन क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज, एग्रीकल्चर को छोड़ के अदर गए, ट्रू। सी गलत है,
इससे रिस्क कम होता है, ये कह रहा है इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, ये फॉल्स है। डी, इससे रूरल, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ट्रू। तो इसमें गलत कौन सा जी? सी ऑप्शन गलत है जी।